नजर नहीं आता। विनाश पुरुष, ठीक उसके उल्टा एकदम, कोई मतलब नहीं। ये लोग हर रोज एक एडोल्फ हिटलर का एक चैप्टर पढ़ते हैं और फिर वही भाषा जाके बोलते हैं। एक सुबह तो ये गांधी जी के चरणों में मिलेंगे और फिर थोड़ी देर बाद ये गोडसे के माला डालते हुए फिरेंगे। ये जो इनका हिपोक्रेसी है, पाखंड है, इसको हमें समझना होगा। तो बारी बारी तीन बार बोल रहा हूँ, वो देशभक्त नहीं है, वो दिमाग के अंदर जो गोबर या भूसा जिसको बोलते हैं वो भर जाता है, वो भगत है वो, और वही वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर, मेरा नाम राजेश कुमार है और MDU रोहतक यूनिवर्सिटी से मैं लॉ पढ़ता हूँ और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा। काफ़ी दिनों से हम TV में चर्चा में जो बहस में देख रहे हैं पिछले 2 महीनों से, खासकर कि जो इस देश में एक मारामारी चल रही है, कहीं पुलिस इस तरह की अत्याचार की जो वीडियोज़ है वो साफ़ आ रही है। अब तो और ज़्यादा साफ निकल गया है कि किस तरह से पुलिस एक लाइब्रेरी में बैठे हुए एक छात्र के ऊपर जो हमला करती है वो बेहद निंदनीय है। तो आज हम इस शाहीन बाग की माताएं बहनें जो हमारी बैठी है 2 महीने से, उन शेर दिल माताओं बहनों को यहाँ अपना साथ देने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। अब बात है कि हम इसको कैसे देखते हैं। हम इस ढंग से देखते हैं कि जो हमारा देश के संविधान के हिसाब से भी चले हैं तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का आर्टिकल 16 ये बोलता है कि वोटर होने के लिए जरूरी है कि आप इस देश के नागरिक हैं। सिटीजन ही वोट कर सकता है। सिटीजन्स ने जब वोट किया उस पहचान पत्र को दिखा के कि हम वोट दे रहे हैं, जाहिर है कि उन्होंने BJP को वोट दिया, तभी इतने बहुमत के साथ वो चुन के आई। और फिर वही सरकार आके उनको बोल रही कि आप ये तय करो कि आप इस देश के नागरिक हो कि नहीं, तो ये अपने आप में ही मतलब उन्हीं को जो करने वाले हैं उनको ही थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप जिन लोगों से वोट लेके सरकार बनाई हो, यानी कि वो वोट जो दिया वो फर्जी नागरिक था, तो फर्जी नागरिक की वोट से फर्जी सरकार बनी है तो उस सरकार का कोई मतलब नहीं है। उनको सरकार का नागरिकता साबित करो। सरकार बोल रही है लगातार कि अपनी नागरिकता सिद्ध करो, जिस तरह से ये NRC बारी बारी आप PM साहब की सुन रहे हैं कि ये बाद एक स्पीच कि भी हम NRC लेके आएंगे। असल मुद्दा इसके अमित शाह कह रहे हैं PM मोदी तो मना कर रहे हैं। नहीं सर, आज ही उनका स्टेटमेंट आया है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि वो बारी बारी ये बात बोल रहे हैं कि वो NRC आके रहेंगी। तो जाहिर सी बात है वो CA लेने का इनका जो मकसद है वो यही है कि पहले जो आसाम में जो इनकी एक्सरसाइज हुई इतनी लंबी, इतना करोड़ों रुपया खर्च करके कर्मचारियों को लगा के जो कुछ निकला, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, असल में किसी रिलीजन को बेस मान के टारगेट करके चल रहे थे, लेकिन वो इनका जो घिनौना जो करतूत जो करने जा रहे थे वो कामयाब नहीं हुई। तब इन्होंने कहा कि हम CA लेके आते हैं, ये इन्होंने बाद में CA लेके आते हैं। और CA का मतलब कि जो 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आ चुके उन सबको हम नागरिक ले लेंगे, तो जाहिर है कि उन 15 लाख लोगों में जो लोग वो आसानी से पा लेंगे नागरिकता, लेकिन रहता कौन है, एक रिलीजन बेस को उन्होंने टारगेट किया है तो अपने आप पे। लेकिन हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं, केवल ये रिलीजन का ही मामला नहीं है, हर वो हिंदू, हर वो बौद्ध, हर जैन, कोई भी धर्म का इंसान जो उड़ीसा के उस एरिया में, बिहार के उस एरिया में रहता, सपोज मैं भी रहता हूँ, तो वहाँ से जिनका घर उजड़ गया, बाढ़, भूकंप, आग लग गई, तो उस तरीके से जो आया है तो आप उसको कहेंगे कि अपनी नागरिकता सिद्ध करो, आप कहाँ के हो, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। उस इंसान के पास अपने डॉक्यूमेंट इतने भी नहीं कि वो दिखा के सरकारी अनाज खरीद सके, सरकारी सुविधाएं ले सके, आप उसको उल्टा बोल रहे हो कि आप अपनी नागरिकता दिखाओ, तो अपने आप में ये एक बेहद निंदनीय कदम है इनका और इसके खिलाफ हम लड़ते रहे। कुछ लोगों का कहना आप यूथ है कि जिस प्रकार से देश में GDP गिर रही है, अर्थव्यवस्था ठप हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार ऐसे कदम। जी सर, एग्जैक्टली एकदम आप सही पॉइंट पकड़े हैं। इनका जो मकसद है वो यही है, इस देश के अंदर जिस तरह से 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी टॉप पे है, आज हमारे भी यूनिवर्सिटी में बहुत जो टीचर्स हैं अपने अपने बेस पे वो करवाते हैं, तो इसी में वो एकदम बाइश हो जाता है मामला। हिंदू मुस्लिम उनको देश की जो समस्याएं हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हम बारी बारी रिक्वेस्ट करके बोलते हैं, पूछते हैं कि भाई आप ये देश की जो बेरोजगारी है इसके बारे में बताइए, ये किस तरह से आसमान छूती जा रही है, बेरोजगार लगातार, महंगाई भी और बेरोजगार जितने सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो वो जब बोलते हैं तो ये जो भगत लोग हैं, ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं सरकार के, उन लोगों को वो इधर उधर ताकने लगते हैं, चेहरे पे पसीना आ जाता है, कोई जवाब मिलता ही नहीं है, तो वो आप इस चीज़ में खुश है और बाकायदा सरकार से स्पॉन्सर्ड है। हमारी भी यूनिवर्सिटी में जब हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सर उसमें भी गेट पर कुछ इस तरह के लोग, शोविनिस्ट, अंधराष्ट्रवादी, वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हमारे खिलाफ नारे करते हैं और पूरा एक लड़ाई का माहौल क्रिएट करते हैं। तो ये जगह जगह, जाहिर सी बात है हर जगह ऐसा हो रहा है, ये सारे सर स्पॉन्सर्ड लोग हैं। आप जो इनके फेवर में जो लोग कर रहे हैं उनका कभी भी क्वेश्चन पूछ के देखिए, वो आपके सामने माइक के सामने 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं, भारत माता की जय, हू अल्लाह किए बगैर नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनके पास कहने के लिए
कुछ नहीं है, जिसके पास तर्क नहीं है, जिसकी बातों में दम नहीं है, वो हमेशा ही शोर मचाता है। तो इसी तरह से ये लोग, इनके बड़े बड़े मंत्री हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं कहने के लिए, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश देश सो कुछ बोल रहे हैं, और साथ में पीएम जो मोदी साहब है वो इन लोगों को इस तरह से कर रहे हैं कि भाई वो चीज़ें करें, बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह से उनकी भाषा आप देख रहे हो कि कपड़ों से ही हमने पहचान लिया था वो लोग कौन थे, तो कपड़े से कौन पहचानता था? 1900 उसके जर्मनी में जाओ, उस इतिहास में देखेंगे हम 45 तक जो हुआ वहाँ पे, वो यही था कि आँखों से पहचान लिया जाए कौन नाजी, जो नाजीज़म जो हुआ था, हाँ कौन यहूदी है। तो इस तरह से उनको इस ढंग से पहचाना जाता था। और जैसे ग्वालपाड़ा में भी अभी डिटेंशन सेंटर का हालात हम सामने बीबीसी पे बार रिपोर्ट देखते हैं, तो कितनी बुरी तरह से किसी के मतलब नाम आ गया घर में, जो उनके पति हैं यानी कि कोई, उनका नाम आ जाता है और उनकी जो घरवाली है उनका नाम नहीं आता है। तो मेन तौर पे आदिवासी, पिछड़ा हुआ हर तबका, महिलाएं, सभी जो वो तबका है वो इसको बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। और अगर ये इस तरह से करते हैं तो पूरे देश के अंदर लगभग इस तरह की तबाही मचेगी। तो इस कदम की हम कड़े रूप में निंदा करते हैं, जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। आपको नहीं लगता 6 सालों में कोई ऐसी बीजेपी सरकार को कोई ऐसी योजना नहीं लगती आपको कि कोई जनता के हित में हो, जिससे देश का विकास हो? सर, पिछले 6 साल का आप देखिए, आईएएस अफसर है कन्न गोपीनाथन जो एक बात बोलते हैं कि इस सरकार का जो रवैया है वो है एक पागल कुत्ते की तरह है। जैसे हम देखते हैं कि रोड पे जब कार जाती है तो कुछ कुत्ते उसके पीछे एकदम झपटके पड़ते हैं, लेकिन एकदम पास जाके रुक जाते हैं, उनको पता नहीं कि करना क्या है। सरकार एकदम सेम थिंग है, इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा कि वो इस तरह से पगला चुकी है कि वो दौड़ के जाती है, झट से एक रात में सोचते हैं, जैसे कि तुगलक की फरमान जैसे जारी किए थे कि भाई हम लोग GST लेके आएंगे, हम नोटबंदी लेके आएंगे, पूरे देश का काला धन भाइयों बहनों आज से बंद। लोग, हम भी उस टाइम बड़े खुश थे कि हाँ हाँ काला धन, जैसे कि सब कुछ एकदम बाबा रामदेव जी और उनके जैसे पपेट लोग जो है वो खूब गड़गड़ाते थे, हम रातों रात उनका टेलीविजन चैनल देखते थे। तब तक तो खैर उतनी राजनीतिक समझ नहीं थी, लेकिन हम दो दो बार उनके एक ही सीरीज को देखते थे किस तरह से वो भारत स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं और किस तरह से जैसे कि देश के अंदर पूरे क्रांति लेके आएंगे वो लोग। और फिर तभी वैसे जो लोग हैं वही लोग भगत सिंह का नाम लेके चिल्लाते हुए और वही 13 फीट उनसे स्टेज से कूद के और लेडीज के कपड़े पहन के भाग जाते हैं। तो सर, इनकी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को देखिए, ये लोग पूरी घृणित एक तरह की राजनीति इस देश के अंदर कहर मचाया। कोई ऐसा एक काम आप बता दीजिए जो उनके समर्थक है वही हमें बता देते दे कोई ऐसा कदम, कोई कदम नहीं सर। नोटबंदी, GST, ट्रिपल तलाक, जो रिलीजन बेस्ड है वो चीजें। और जहां हरियाणा का मैं स्टूडेंट हूं तो एक बात आपको बताना चाहता हूं, 2016 में जो हुआ हरियाणा के अंदर, मतलब इनका ये तरीका है कि जहां जो सिक्का चले, मतलब जहां धर्म का सिक्का चले वहां धर्म का सिक्का उछाल दो, कुछ मिलेगा, जहां जाति का चले वहां जाति का सिक्के को उछाल दीजिए, कुछ हासिल होगा। यही कारण है कि हमारे जो हरियाणा में भी कुछ टेप रिकॉर्डिंग अभी आई है, जो जाट आरक्षण अपने बड़ा फेमस रहा था, तमाम रोड़े बंद कर दी थी, उसमें क्या था, ये सारे बीजेपी के जो लीडर्स हैं वही उनको भड़का रहे थे कि करो। अब मेरे जैसा कोई युवा है उसको कह देंगे जाटों से आरक्षण छीना जा रहा है, उनको दिया नहीं जा रहा, उनके साथ अन्याय अत्याचार है। बल्कि देखा जाए तो जिनको आरक्षण मिला हुआ उनकी भी ठीक नहीं है पोजीशन। अगर किसी को हम 100% भी आरक्षण दे देते उसकी समस्या का सोल्यूशन नहीं हो रहा है। कमी है संसाधनों की, यूनिवर्सिटी की, स्कूलों की, शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा पे खर्च करने की, हॉस्पिटल्स की, ये उल्टा इन चीज़ों में आरक्षण, जात धर्म उन पर फैला के और देश के अंदर पूरा एकदम जहर फैला रहे हैं ये। जहाँ सिक्का चले बिहारी हरियाणवी का, जहाँ सिक्का चले बिहारी महाराष्ट्र का, तो वहाँ हर तरह से उस सिक्कों को चलाते हैं। और अपने आपको मोदी जी में विकास पुरुष नजर नहीं आता? विनाश पुरुष, ठीक उसके उल्टा एकदम, कोई मतलब नहीं। ये लोग हर रोज एक एडोल्फ हिटलर का एक चैप्टर पढ़ते हैं और फिर वही भाषा जाके बोलते हैं। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह से जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। और हम एक यूथ होने के नाते इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आज शाहीन बाग है, कल अगर जेल में भी जाना पड़ेगा तो हम हमारा संगठन जेल में सबसे पहले जाएंगे, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये शाहीन बाग की प्रोटेस्ट बिहार बंगाल पर भी असर डालेंगे कि नहीं? बिल्कुल सर, अभी आप एक चीज देखिए, अभी रिसेंट में जो इनका आया है दिल्ली के, उसके बाद जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम जो भाषा किए इस्तेमाल वो हमने गलत किए, इनका ड्यूअल स्टैंडर्ड आपको हर कहीं मिलेगा। एक सुबह तो ये गांधी जी के चरणों में मिलेंगे और फिर थोड़ी देर बाद ये गोडसे के माला डालते हुए फिरेंगे। ये जो इनका हिपोक्रेसी है, पाखंड है, इसको हमें समझना होगा। तब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक देश की असल राजनीति और बीजेपी के घृणित चेहरे, आरएसएस और उसके जैसे
35-36 जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम समझ नहीं पाएंगे। सर क्या बीजेपी वाला देशभक्त नहीं मानते? सर फिर वही बात है, मैं तो बारी बारी तीन बार बोल रहा हूँ, वो देशभक्त नहीं है, वो दिमाग के अंदर जो गोबर या भूसा जिसको बोलते हैं वो भर जाता है, वो भगत है वो, और वही वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग मैं भी उन लोगों को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराता हूँ कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो भी बेचारे 300 रुपया ले गए, 400 रुपया ले गए, रोजगार तो है नहीं, तो वो भी ऐसी सिचुएशन में है। कुछ लोग गरीब घरों के जो सोचते हैं कि चलो 400 रुपया मिल जाएगा यार, थोड़ी देर पत्थर ही तो फेंकना है, चलो 400 मिल जाएगा, थोड़ी देर भारत माता की जय जय तो बोलना है, छुपा लेंगे चेहरा फला आदमी, फिर वो लोग जेलों में भी चले जाते हैं और जेलों में सड़ते हैं, जिस तरह से हमारे हरियाणा के जाट आरक्षण का बताया मैंने, सैकड़ों लोग यूथ आज रो रहे हैं कि हमें कोई जेल से बाहर निकाले, और वो लीडर जिनसी टेप निकल निकल के बारी बारी आ रही थी कि भाई आपने नहीं जलाया, हमने तो सारा जला दिया, आप भी कुछ करिए, तो सेम यही चीज़ यहाँ पे है। आपने अभी गोबर की बात करी, देश में पहली सरकार आई है जो गोबर को भी बेच रही है। बिल्कुल बेच रही है, वो तो उनके लाला रामदेव है ना, उनका विचार, उनकी जो आइडियोलॉजी आपने देखी है, उनको बढ़ावा पहुंचाने के लिए 173 गुना उनका जो व्यापार है वो राइज कर चुका है। उनके तो अच्छे दिन आ चुके, अमित शाह जी के बेटा के तो अच्छे दिन आ चुके, मेरे को रोजगार की चिंता है, मैंने ग्रेजुएशन किया, लॉ किया, आगे LLM करूंगा, PhD करूंगा, फिर भी नौकरी के लिए दर दर भटकूंगा, लेकिन उससे कौन डिग्री पूछते हैं फर्जी डिग्री के, जहाँ PM भी हो, उनके बेटा भी जहाँ हो, उनसे कौन पूछेंगे? उन लोगों का 16,000 गुना कंपनी राइज कर रहा है, तो उनके तो अच्छे दिन है। तो नौकरी मिल तो रही है, पकौड़ा बनाओ और नाले से गैस बना के चाय पी लो। सर ये इस पे जो ये इस तरह की जो भाषा बोल रहे हैं ना, ये असल में तो एक हंसने की बात है, मतलब हंसी आ जाती है, कॉमेडी के लिए आपको दूसरे चैनल नहीं देखने पड़ते, आप PM को सुनिए, अमित शाह को सुनिए, वैसे हंसी आने लगती है, क्योंकि ये लोग इसी घटिया तरह की जो बातें करती, जो इन्हें कि अपने की बात के खिलाफ है। ठीक है, अगली बात ये कि जैसे पकौड़ा बेचने की आपने बात कही, तो ये मैं एक सीरियसली जब इस बात को देखता हूँ तो दिल पे बिल्कुल हर्ट होती है, और हर एक जिंदा खून, इस देश का हर एक नौजवान जिसका खून अभी बर्फ नहीं हुआ है, हर उस नौजवान को गुस्सा आना लाजमी है, और इस वो कहते तख्ते ताज उछाले जाएंगे, तो उस तख्ते ताज उछाले जाएंगे वाली नज़म को हर गली में हर मोहल्ले में गाते हुए, और इस आंदोलन को मजबूत करके नेशन वाइड बना के और उस पूरे देश में अपने ताकत को दिखाना है, और इसी ताकत के साथ ऑल इंडिया DSO पूरे 25 जो इस देश के स्टेट है उनसे भी हमने इसी के लिए हम प्रचार भी कर रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में टीचर में जा जाके कि इसको नेशन वाइड बनाइए, इस मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम की दृष्टि से मत देखिए, ये हर हिंदू को टच करता है, सफर करेगा हर हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, जिन, हर कोई गरीब आदमी, ये बेसिकली गरीब लोगों की दिक्कत है, तो हर वो आदमी जो इसके अगेंस्ट है वो 25 तारीख को 11:30 बजे जंतर मंतर पे, आप इनका डर देखिए कि उन्होंने जो मिलना चाहिए हॉल वो भी इन्होंने नहीं लेने दिया, उससे डर के कि इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, पूरे देश का एक देश लेवल पे प्रोग्राम होगा, तो हम जो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी अपील करते हैं कि 11 तारीख शाहीन बाग में जो माताएं बहनें दादियां बैठी हुई लगातार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि 500-500 रुपये में लेके, आपने सुना भी होगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे, कहां तक सच्चाई है? सर ये लोग माताएं बहनों की अगर बात करें ना तो इनका हिस्ट्री आप देखिए, मोदी जी की माता की बात कर लेते हैं, ठीक है, मेरी दादी है, दादी माँ की उम्र के हैं, वो जो है अपनी माता को एक ब्रांड के तौर पे प्रस्तुत करने के लिए, मतलब जैसे मार्केट में हम ये मोबाइल आया नया ले लीजिए, इस ढंग से अपनी माता देश को बरगलाने के लिए किस तरह का कुतर्क पेश करते हैं कि अपनी माता जी जो है 92 साल की उसको लाइन में खड़ा करते हैं, और देखो देखो खुश हो रहा है बंदा कि देखो देखो मैंने मेरी माँ को भी लाइन में लगा दिया, अरे ये सबसे नकारा निकम्मे बेटा और बेशर्म बेटा की निशानी है, इसको आप समझिए PM साहब, ये आप मत कीजिए, कम से कम एक जो जनरल जो इथोस एथिक्स जो पाया जाता है मूल्य एक सामान्य इंसान में भी, आप में तो वो भी नहीं अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैं सबसे नालायक हूँ मेरे घर में कि कुछ काम नहीं करता, इधर उधर कभी दिल्ली या कभी उधर चला जाता है मूवमेंट में, ये करता है वो करता है, लेकिन मैं भी मेरी माँ को कभी लाइन में खड़ा नहीं होने दूंगा, मोदी जी की तरह हम उनसे ये चीज़ नहीं सीख सकते और सीखना भी किसी बच्चे को नहीं चाहिए, इसीलिए जो लोग अपनी जो अपनी माँ है उसको ही जो इस ढंग से मानते हैं, तो ये जो माताएं बहनें बैठी हैं इस देश की उनसे तो लेना देना ही क्या है, कोई मतलब ही नहीं है, इन लोगों पे और तो गोलियां चलवा सकते हैं वो, इन लोगों को तो लगातार देख रहे हो आप किस तरह से ब्रूटेलिटी हो रही है, आप जामिया में देख रहे हैं हम किस ढंग से हो रहा है, और बैठे हुए देख रहे हैं, बड़ा गुस्सा आ रहा है तब देख रहे हैं, तो देखा नहीं जा रहा है कि स्टूडेंट बैठा है बुक दिखा रहा है उसको लठों से पीट रहे हो, अरे बेशर्मो तुम इस बात को मानो कि जो जो इतिहास में आप देखिए, मैं एक आपको बात बताता हूँ
की कि जो लोग ये सोचते थे कि हमारा जो सूर्य है वो कभी छिपता नहीं है, अंग्रेजों की मैं बात कर रहा हूँ, और जो वो ड्रेस पहनते थे एक जमाना में जिनकी ड्रेस से खौफ होता था, हाँ हाँ अंग्रेज आ गया, आज वो ड्रेस बैंड बाजे वाले पहनते हैं। मतलब देखा आपने राजा बैंड बाजा, रमेश बैंड बाजा, तो वो लोग 200 रुपया 250 रुपया बेचारे बैंड बजा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मैं उनकी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि समय बदलता है, समय का पहिया घूमता है, जो लोग हिटलर बनते हैं वो हिटलर की मौत भी बनते मरते हैं।